जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही हो। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें हम लोग कि हम लोग को पढ़ाई में मन लगने लगे। जी हाँ मेरे दोस्त, आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अपना राह भटक चुके हैं और लगातार उनका मैसेज रहता है, कमेंट रहता है कि गुरुजी अब तो पढ़ाई करने में हमको मन ही नहीं लगता है, अब हम लोग पढ़ें कैसे। मेरे मित्र, मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो बाहरी डिस्ट्रैक्शन है और जो बाहरी नज़र है वो आपको लग चुकी है, इसीलिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मेरे मित्र, मैं आपको जो भी कहूँगा वो बिल्कुल ही क्लियर कट कहूँगा। थोड़ा देर हो सकता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए। बस मैं ज़्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहूँगा, बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा। मेरे मित्र, सफलता और असफलता, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे कि आपके समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जो सफल होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो असफल होंगे। तो ज़रा सा आप हमको बताइए कि क्या आप असफल लोगों को याद रखते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप किसको याद रखते हैं? सफल लोगों को याद रखते हैं। तो भाई मेरे, आप जो जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका जो लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए आपने अपना समय दिया है, अपना टाइम वेस्ट करा है, उसको आप बाहरी डिस्ट्रैक्शन के चलते क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि जिस लक्ष्य को आपने चुना है वो भी तो आपको सफल बनाने के लिए, और आपको मालूम है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपके पास नहीं आएगी, और जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप समाज में एक सफल लोगों के श्रेणी के बीच में खड़ा नहीं होंगे, लोग आपको असफलता की कैटेगरी में रखेंगे। तो फिर आप क्यों ये कह रहे हैं कि सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है? मेरे मित्र, आपने पढ़ाई किसी के दबाव में या किसी के मजबूरी में नहीं किया था स्टार्ट, आपने पढ़ाई अपने जीवन को बदलने के लिए किया था। आप जिस समाज में रह रहे हैं उससे आप ऊंचा सोचें, इसीलिए आपने पढ़ाई स्टार्ट करा था। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है, कि आपके पास न पढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर गिनाने की यहाँ पे शुरुआत की जाए तो इतने कारण निकल के आएंगे, और सब कारण आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये तो हमसे रिलेट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो न पढ़ने के आपके पास बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पढ़ने के सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि ये पढ़ाई आपका जो आने वाला भविष्य है उसका निर्माण करेगा। और मेरे मित्र, जिस डिस्ट्रैक्शन के दौर से आप गुजर रहे हैं, लगभग सभी युवा जब इस स्टेज में होते हैं तो इसी डिस्ट्रैक्शन के दौर से गुजरते हैं। उन सबों के पास में ऐसी बहुत सारी अवरोध होती है, बहुत सारी ऐसी कह सकते हो कि कंसेप्चुअल फैक्ट्स होते हैं जिसका अपना कुछ मीनिंग होता है, उससे सभी जूझ रहे होते हैं। लेकिन सफल कौन होते हैं? तो सफल वही होते हैं जो इन सब चीज़ों को टैकल कर लेते हैं। सक्सेस वही होते हैं जो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अपने पहले प्रायोरिटी को वैल्यू देते हैं। उनका कभी ये शिकायत नहीं होता है कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मेरे मित्र, आपके समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक सफल और दूसरा असफल। आप सिर्फ सफल लोगों को याद रखते हैं, असफल लोगों को याद नहीं रखते हैं। और आपको भी मालूम है कि अगर आप अनसक्सेसफुल होंगे तो आप भी किस कैटेगरी में होंगे? सर, असफल लोगों के कैटेगरी में होंगे। समाज में आपका कोई नाम तक नहीं जानेगा, और समाज में हर कोई आपका नाम जानेगा। आप सक्सेस होंगे, आपकी लाइफ बदलेगी, आपके जीवन में नई नई खुशियां आएगी। इन सब के पीछे किसका कारण है? तो सर, एक तप का कारण है, और वो तप है पढ़ाई, जिससे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो सर मन नहीं लग रहा है, ये बहाना बना करके बुक को छोड़ करके किसी और काम में अपने आप को कम्फर्ट फील कर रहे हैं। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा कि किसी एक बड़े मंदिर के पुजारी एक मूर्तिकार के पास गए, और उन्होंने मूर्तिकार को ऑर्डर दिया कि हमको एक सुंदर सा भगवान का मूरत चाहिए। मूर्तिकार बोला, ठीक है साहब, हो जाएगा, फलाने डेट को आप आइएगा, ले जाइएगा। मूर्तिकार ने क्या करा, तो पास में रखे एक पत्थर पर अपना जो छेनी हथौड़ी है उसको चलाना शुरू करा। कुछ देर चलाने के बाद पत्थर से आवाज़ आई कि भाई साहब क्यों पीट रहे हो, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मत पूछो।
मूर्तिकार ने क्या करा, उस पत्थर को छोड़ दिया। पास में रखे हुए दूसरे पत्थर पे उन्होंने छेनी हथौड़ी चलाना शुरू करा और एक सही डायरेक्शन में चलाते हुए उन्होंने उस पत्थर को एक खूबसूरत मूर्ति में चेंज कर दिया, खूबसूरत मूर्त में चेंज कर दिया। अब पुजारी का ड्यू डेट था, अपने ड्यू डेट में वो आए और उन्होंने बोला कि हाँ भाई मेरा ऑर्डर तैयार है। उन्होंने बोला हाँ सर आपका ऑर्डर तैयार है। उन्होंने देखा, बोला वाह क्या मूर्त बनाई है। जब वो पुजारी उस मूर्ति को लेकर के मंदिर जा रहे थे तभी उसको जो पास में पड़ा हुआ पत्थर था जिस पे मूर्तिकार ने सबसे पहले छेनी हथौड़ी चलाया, जो बोला कि बहुत तकलीफ हो रही है मत चलाओ मत इस तरह से करो, वो बोला इस पत्थर को भी साथ में ले जाऊं क्या, ये नारियल फोड़ने में काम आएंगे और ये जो है वो पूजा में काम आएगा। बोला हाँ हाँ ले जाइए, अब इसका हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है। पुजारी दोनों पत्थर को ले आए और एक जो मूर्त थी उसको गर्भगृह में जाकर के स्थापित किया गया और जिसने बोला कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है उसको जस्ट सामने रख दिया, उस पर लोग आकर के नारियल फोड़ रहे थे। और जो अगली मूर्ति थी जिसको गर्भगृह में रखा गया मंदिर के, उसमें लोग आकर के पुष्प चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। अब यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि जिस कष्ट को आप आज कह रहे हैं कि हमसे ना हो पाएगा वो कष्ट आपके भविष्य का निर्माण करेगा, और जिस मजा को आप आज लेना चाह रहे हैं ना पढ़ के वो मजा आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट हैं, आपकी प्रायोरिटी सफलता होनी चाहिए। आप जिस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप कंटिन्यूस लगे रहें, ऑब्वियसली आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यू बने रहना भी अपने आप में एक तपस्या है। हर कोई कंटिन्यू नहीं हो पाता है सर, और जो कंटिन्यू हो पाता है वही आज सफलता के बुलंदी पर अपना परचम लहरा रहा होता है। तो मेरे मित्र, मैं आप सबों से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अभी जिस स्टेज में हैं और जहाँ पे आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है, ये सारी चीज़ें आपके आसपास में प्रेजेंट टाइम में घटित हो रही है, इसलिए आ रही है। आपने अपने अगले 10 साल का फ्यूचर नहीं देखा है। और मेरे मित्र, आज के इस वर्तमान डिस्ट्रैक्शन को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर मारें और आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें, आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो उस एग्ज़ाम पे आप फोकस करें, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 6 महीना की कंटिन्यू पढ़ाई आपको अपने जीवन में सक्सेस बना सकती है और आप समाज में सफल लोगों के श्रेणी में आराम से खड़ा हो सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपना आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर लो या फिर आप अपना आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर लो। और अगर इतना से भी आपको अपने अंदर पढ़ने की लालसा नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप भी वही पत्थर बनना चाहते हैं जिस पे लोग आएंगे और नारियल फोड़ करके चले जाएंगे। तो मेरे मित्र, मैं एक बार फिर से आप सबों से कहना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर सोचिए कि आप जो कह रहे हैं कि गुरुजी हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो क्या नहीं पढ़ने से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है? अगर आप सोच लिए होंगे तो इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।